हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सानवी एम होम। आज हम बनाने जा रहे हैं सत्तू का पराठा, जो कि चने का, भुने हुए चने का सत्तू बनाएंगे, उसका हम पराठा बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लिया है भुना हुआ चना, देख सकते हैं आप, जो कि आधा बाटी लिया है मैंने। और उसमें मिक्स करने के लिए हमने लिया है थोड़े से प्याज, दो प्याज लिए हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने दो प्याज लिया है, मीडियम साइज़ का दो प्याज है, थोड़ा सा गार्लिक है और थोड़ा सा दो तीन मिर्ची है। आप मिर्ची और भी तीखा डाल सकते हैं, इसमें अचार भी डाल सकते हैं आप लोग, खटाई भी डाल सकते हैं, भरवा मिर्च भी डाल सकते हैं। चलिए इसको हम पीस लेते हैं। पीस लिया है मैंने, और हमने क्या किया, एक वाटी में यहाँ पे अजवाइन क्रश करके डाल दिया है थोड़ा सा। अब हम क्या करेंगे, जो सत्तू हमने पीसा है उसको इसमें डालेंगे। देख सकते हैं सत्तू हमारा ज़्यादा बारीक भी नहीं पीसना है, थोड़ा दरबरा ही पीसना है आपको। और इसमें हमने डाला एक चम्मच अचार, लच्छा अचार जो मैंने बनाया था उसमें वो डाला। आप खटाई भी डाल सकते हैं, अमचूर भी डाल सकते हैं, या कोई मिर्ची का अचार भी डाल सकते हैं, जिससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप नींबू डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने लिया था सारा ओनियन, गार्लिक एंड मिर्ची, उसको हमने एकदम बारीक कटिंग करके इसमें चॉप करके डाल दिया है। और थोड़ा सा सरसों का तेल, तेल आपको थोड़ा ही डालना है। उसके बाद इसको मिक्स करना है। अगर आपको लगता है कि तेल कम है तो और मिक्स कर सकते हैं। इसको आपको अपने हाथों की सहायता से अच्छे से पूरा मिक्स करना है, और स्वादानुसार नमक डालना है, जितना आप नमक पसंद करते हैं। चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से मिक्स करना, ताकि हमारा प्याज और जो भी ऑयल सारे अच्छे से मिल जाए इसमें सत्तू के साथ। और ये बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है और हेल्दी भी है काफ़ी ये। इसको आप धीरे धीरे अच्छे से हाथों से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करते वक्त ध्यान दीजिएगा कि ये पूरा अच्छी तरह से बाइंडिंग होना चाहिए। अगर बाइंडिंग होगा तो ही हमारे आटे के में फीलिंग अच्छी आएगी और हमारा फूटेगा नहीं। जब हम उसको बेलेंगे तो आटे से निकलेगा नहीं, बाहर नहीं निकलता है। अगर आपको लगता है कि ऑयल कम है, थोड़ा सा ऑयल और डाल सकते हैं। हमेशा मस्टर्ड ऑयल ही डालते हैं, क्योंकि उससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अगर आपके पास कोई अचार है जिसमें ऑयल एक्स्ट्रा है, तो उसका ऑयल भी इसमें डाल सकते हो आप लोग, उससे भी काफ़ी टेस्ट। देख सकते हैं हमने बाइंडिंग किया, हमारा बाइंडिंग प्रॉपर हो रहा है, तो मतलब हमारा ये अच्छा बन चुका है। अब हम इसे क्या करेंगे, साइड में कर देंगे अच्छे से मिक्स करके। ये हमारा फीलिंग रेडी हो चुका है, देख सकते हैं आप। ऊपर से आप धनिया के पत्ती भी डाल सकते हैं। देखिए हमने वापस बाइंडिंग किया, काफ़ी अच्छा बाइंडिंग हो रहा है, मतलब हमारा अच्छे से सत्तू रेडी हो चुका है। अब हम आटा रेडी करेंगे। तो हमने एक बाउल में आटा ले लिया है, गेहूं का आटा है, आप कोई भी आटा ले सकते हो, लेकिन गेहूं के आटे में काफ़ी अच्छा बनता है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा नमक, स्वादानुसार नमक डालना है, लेकिन नमक बहुत ही कम डालना है, क्योंकि हमारे सत्तू में भी नमक डाला गया है। और अजवाइन का टेस्ट डालने से हमारा टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, इसलिए हमने थोड़ा सा अजवाइन डाला है। आप इसमें कलौंजी भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और इसका आटा हमें मीडियम गूंथना करना है, एकदम ना कि टाइट ना एकदम गीला। अगर बहुत टाइट रहेगा तो हमारा सत्तू उसमें से बाहर आ जाएगा, इसलिए हमें इसका आटा थोड़ा मीडियम ही गीला रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा गीला भी नहीं, तो हमारा सत्तू की बाइंडिंग काफ़ी अच्छी होती है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसको हल्के गुनगुने पानी से आप इसको आटा गूंथ लीजिए। चलिए आटा गूंथ लेते हैं। हम देख सकते हैं हमारा आटा गूंथ के रेडी है। मैंने एकदम बहुत ही गीला करके रखा, ज़्यादा गीला भी नहीं, ज़्यादा मीडियम करके रखा है, देख सकते हैं आप। और इसको 10 मिनट के रेस्ट पे रख के मैं दिखा रही हूँ आपको, जिससे आटा हमारा पूरा सेट हो जाता है। अब हमारा आटा पूरी तरीके से सेट हो चुका है। अब इसका हम छोटा छोटा लोई बना के, बॉल्स बना के उसमें हम लोग फिलिंग करेंगे। चलिए बॉल्स बनाते हैं इसका। मैंने इतना बड़ा बॉल लिया है, आप अपने हिसाब से बॉल्स ले सकते हैं, जितने बड़े आपको चाहिए, और फिलिंग उसके हिसाब से फिलिंग करना। अगर आपने छोटा बॉल लिया तो उसमें एक चम्मच 1 स्पून डालिएगा,
अगर आपने ज़्यादा मोटा लिया है तो उसमें 2 टेबल स्पून अपना जो सत्तू रेडी किया था उसको इसमें फिलिंग करेंगे, और उसको बनाते हुए ऐसा गहरा बनाइएगा ताकि हमारा जो फिलिंग हो अच्छी तरीके से सेट हो जाए। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून इसमें डाल दिया है। इसको बाइंडिंग पूरी तरीके से बंद कर देना है, देख सकते हैं। इसको अपने हाथों से हाथ से दबा के इसको धीरे धीरे बंद कर दीजिए। ऐसे दबा दबा के करेंगे जिससे अच्छा हमारा बनता है। एक पोटली की तरह बंद कर दीजिए और जो एक्स्ट्रा ऊपर का पार्ट है उसको निकाल दीजिए। अब ये हमारा बनके रेडी हो गया है। इसको धीरे धीरे अपने हाथ से इसको चिपटा कीजिए, ज़्यादा टाइट नहीं करना है, धीरे धीरे। और बेलने में बहुत ही सॉफ्ट रहता है, जल्दी फूटता भी नहीं है, देख सकते हैं। कहीं से भी सत्तू बाहर नहीं निकलता है, इजीली आप बेल सकते हो। बस आटा हमारा थोड़ा नरम होना चाहिए, ना ज़्यादा नरम ना ज़्यादा कड़क। और कड़क आटा रहेगा तुरंत सत्तू बाहर आ जाता है। फिलिंग भी काफ़ी अच्छी हुई है और सत्तू भी काफ़ी अच्छा भरा हुआ है, देख सकते हैं इसमें। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सेक देंगे अच्छे से, जिससे हम पराठा सेकते दोनों तरफ। ऑयल, घी या बटर जो भी आप अच्छा लगता है आप लगा के अच्छी तरीके से सेक दीजिए। मैंने बटर लगाया है, बटर लगा के, अगर आप नहीं पसंद करते हैं बटर, ऑयल ऐसे भी खा सकते हैं। और ये काफ़ी फूलता भी है, अगर इसमें फीलिंग थोड़ा भी बाहर निकलता तो नहीं फूलता, अदरवाइज़ ये फूलता भी काफ़ी अच्छा है और खाने में टेस्टी प्लस हेल्दी भी रहता है, क्योंकि चना हमारे लिए काफ़ी हेल्दी ही रहता है, भुना हुआ चना। इसको मीडियम फ्लेम पे हमें सेकने का है, हाई फ्लेम पे करेंगे तो पूरा हमारा जल जाएगा, इसलिए मीडियम फ्लेम पे आप धीरे धीरे इसको सेक दीजिए। और सारे आटे को ऐसा लोई बना के उसमें फिलिंग करके आप पराठा बना लीजिए। आप ऑफिस में टिफ़िन में ले जा सकते हैं, बच्चे को टिफ़िन में दे सकते हैं। ये बाहर भी नहीं निकलता है, खाते वक्त की बाहर निकले बहुत, क्योंकि हमने जो बाइंडिंग बनाया था काफ़ी अच्छा बनाया था, इसकी वजह से बाहर नहीं निकलता है। देख सकते हैं हमारा पराठा, एक पराठा रेडी हो गया ऐसे, पूरी तरीके से अब रेडी हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। ऐसे आपको सारा जितने भी आटा है उसको लोई बना के उसका फिलिंग करके पराठा रेडी कर लेना है। अरे खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है। हमने पराठा रेडी कर लिया है जो चटनी के साथ सर्व किया है। आप चटनी के साथ, किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अगेन।